हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने जीरोधा अकाउंट के थ्रू इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। जी, तो आपको इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना होता है अपना जीरोधा अकाउंट। और जीरोधा अकाउंट ओपन होते ही आपको एक वॉच लिस्ट का एक ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर आप अपने स्टॉक को जो भी ख़रीदना चाह रहे हैं, ठीक है, वो अपने मनपसंद स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शामिल कर रखे अपने कुछ मनपसंदस है जो बैंकिंग सेक्टर्स में है। ठीक है, तो आप उसमें इंट्राडे करना चाह रहे हैं तो कैसे आप इंट्राडे करेंगे, तो आपको क्लिक कर लेना होता है अपने मनपसंद शेयर पे, जिस पे आपको लगता है कि हाँ आज ये कुछ मेरे को मुनाफा देगा। तो आपको को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं HDFC बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। HDFC बैंक को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, बाय और सेल का। तो हमें यहाँ पे परचेस करना है, तो बिल्कुल हमें बाय पे क्लिक कर देना है। बाय पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर से देखिए आपको दो ऑप्शंस आते हैं, NSE और BSE। तो ये एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपको जो भी सूटेबल लगे, अच्छा लगे, आप NSE BSE दोनों में से किसी में भी आप कर सकते हैं ट्रेड। और नीचे आते ही आपको देखिए एक रेगुलर, एक कवर और एक AMO करके ऑप्शन आता है, तो आपको रेगुलर ही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेनी है, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। मैं यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे एक प्रोडक्ट में एक आता है इंट्राडे का MIS का ऑप्शन, एक लॉन्ग टर्म का आता है। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना नहीं है, हमें इंट्राडे करना है, तो हमें इंट्राडे पे क्लिक कर देना है। तो जिन श्रोता को शायद ना पता हो कि इंट्राडे क्या है, तो इंट्राडे का मतलब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इंट्राडे यानी आज ही ख़रीदना और आज ही बेचना। तो ये एक तरह से आपका एक रिक्सी ट्रेडिंग का एक तरीका है, जहाँ पे आपको सोच समझ के ही आपको इंट्राडे में आना चाहिए। ठीक है, और आप एक बड़े लेवल तक पहुँच गए कि आप एनालिसिस और फंडामेंटल आप पहचान पा रहे हैं, किसी शेयर का समझ पा रहे हैं, उसके न्यूज़ वगैरह को अपडेटेड हैं, तभी आप इंट्राडे में आप आइए, ये मेरी सलाह रहेगी। तो आपको सेलेक्ट कर देना है इंट्राडे पे। ठीक है, इंट्राडे पे सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे अप्रोक्स मार्जिन मिल जाता है, आपको इतना रुपया आपको होना चाहिए। ठीक है, 5x का मुझे मार्जिन मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको स्वाइप कर देना है, नीचे देखिए ऑप्शन आता है स्वाइप टू बाय। ठीक है, नीचे आपको टाइप में सेलेक्ट करना है मार्केट, और नीचे आपका डे। ठीक है, आपको पूरा एक दिन पे ही ख़रीदना होता है और बेचना होता है, आपको फिर कर देना है स्वाइप टू बाय। तो मैं यहाँ पर स्वाइप टू बाय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बस दिखाने के लिए ऐसा करूँ। तो इसे स्वाइप टू बाय करते ही आपको यहाँ पे ऑर्डर, देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर का एक ऑप्शन आता है, तो आपको ऑर्डर पे क्लिक कर देना होता है। तो ओपन का मतलब होता है कि आपने कोई शेयर खरीदा है और वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको लिस्ट में दिखेगा, और जैसे एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट वाले लिस्ट में आपका आ जाता है कि आपका ये एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहाँ पे आप अपने जो भी इंट्राडे का जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो जो भी इसका ऊपर नीचे का ग्रीन और रेड का जो आइकन, यहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस शो करेगा। और GTT में आप अपने स्टॉप लॉस को, टारगेट को लगा सकते हैं अपने शेयर में, यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप इंट्राडे कर सकते हैं जीरोधा अकाउंट के माध्यम से। थैंक यू सो मच।